हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द 10.8 हार्ड एंड वर्चुअल सर्वर इमेज। ओके, तो वर्चुअल सर्वर इमेज, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्चुअल सर्वर क्या है, देन नेक्स्ट हार्ड एंड वर्चुअल सर्वर इमेज उसके बारे में देखेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट प्रीवियस डिस्कशन। वर्चुअल सर्वर इज क्रिएटेड फ्रॉम अ टेम्पलेट कॉन्फिगरिंग कॉल्ड अ वर्चुअल सर्वर इमेज। ओके, तो वर्चुअल सर्वर इमेज के जो हमारे वर्चुअल टेम्पलेट्स, जो हमने टेम्पलेट्स के बारे में देखा था लास्ट टाइम, तो टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंगली जो भी हम यूजिंग अ टेम्पलेट इमेज यूज करके हम जो वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते, तो उसके लिए हमें वर्चुअल सर्वर इमेज यहाँ पे यूज करनी पड़ती, या वर्चुअल मशीन इमेज, या जो IMG फॉर्मेट जो हमारे पास होता है VMI, सो दैट इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्मेट हमारे पास होता है। सो नेक्स्ट, द हार्डेंड इज एन प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अननेसेसरी सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ सिस्टम टू लिमिटेड पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज दैट कैन बी एक्सप्लॉइट बाय द अटैकर। कि जैसे कि एक टेम्पलेट हमने क्रिएट किया, अभी उस टेम्पलेट के अंदर एन नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर होंगे जो प्रीवियस यूजर ने क्रिएट करके रखे होंगे, यूज किए होंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो वर्चुअल सर्वर इमेज एज अ टेम्पलेट क्रिएट करके हमें देने वाला है। लेकिन जो हार्डन्ड वर्चुअल सर्वर इमेज है वो क्या कहेगा, जो अननेसेसरी चीज होगी उसके अंदर अननेसेसरी सॉफ्टवेयर होंगे, अननेसेसरी जो कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, अननेसेसरी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे, तो उसको क्या करेगा, वो रिमूव करने के लिए प्रोसेस के लिए हम हार्डेंड वर्चुअल मशीन या पे या हार्डेंड वर्चुअल सर्वर इमेज यूज करने वाले। सो नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होने वाला है, रिमूविंग द रिडंडेंट प्रोग्राम, क्लोजिंग अननेसेसरी सर्वर पोर्ट्स एंड डिसेबलिंग द अनयूज्ड सर्विसेज, इंटरनल रूट अकाउंट एंड गेस्ट एक्सेस फॉर द और एग्जाम्पल ऑफ हार्डनिंग। कि हार्डनिंग क्या करने वाले, इन नंबर्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले, क्लोजिंग अनयूज अननेसेसरी सर्वर पोर्ट्स, की जो सर्वर पोर्ट अलोकेटेड किए होंगे टेम्पलेट्स के अंदर, कि किसी हैकर ने, किसी अटैकर ने ऐसी टेम्पलेट फाइल क्रिएट करके रखी होगी कि जिसके अंदर ये सब जो उसको एक्सेस रिक्वायर्ड होगा, उस एक्सेस के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट, सर्विसेज, अकाउंट, ये सब चीजें एज अ वल्नरेबिलिटी क्रिएट करके रखा है, बैकडोर क्रिएट करके रखा है, तो ये सब चीज़ को यहाँ पे हमें रिमूव करने के लिए हार्डन वर्चुअल सर्वर इमेज हम यहाँ पे यूज करने वाले। देन द हार्डेंड वर्चुअल सर्वर इमेज इज अ टेम्पलेट फॉर द वर्चुअल सर्विस इंस्टेंस फॉर क्रिएटिंग हैज बीन सब्जेक्ट टू हार्डनिंग प्रोसेस। कि जो आपकी नॉर्मल वर्चुअल मशीन इमेज या वर्चुअल सर्वर इमेज होगी, सेम इमेज को हम यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कि जो भी नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा, इधर हार्डनिंग प्रोसेस जो होगी उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसको अप्लाई करना है वो अप्लाई करके हमें यहाँ पे यूज करने वाले। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको हम देखते हैं। तो हार्डेंड वर्चुअल सर्वर इमेज हेल्प टू काउंटर द डिनाइल ऑफ सर्विस, अनसफिशियंट ऑथराइजेशन एंड ओवरलैपिंग अ ट्रस्ट बाउंड्री। के तीन नंबर्स हो, ये इससे भी अलग कोई नंबर्स, ये जनरल थी हमने देखे, इसके अलावा भी कोई भी डिफरेंट अटैक्स होंगे तो उसको कवर करने के लिए हम हार्डेंड वर्चुअल सर्वर इमेज यूज करते। तो डायग्राम आपके सामने। सो फर्स्ट हमारा जो सिक्योरिटी पॉलिसी हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारे वर्चुअल सर्वर इमेज के ऊपर। तो वर्चुअल सर्वर इमेज को पॉलिसी अप्लाई करने के बाद वो सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग वर्चुअल सर्वर हमारे पास आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे हार्डनड वर्चुअल सर्वर इमेज। देन जो भी हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट होगा या जो भी यूजर्स होगा उसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। द क्लाउड प्रोवाइडर अप्लाइज इट्स सिक्योरिटी पॉलिसी टू हार्डनड एंड स्टैंडर्ड सर्वर इमेज, दैट हार्डनड इमेज इज टेम्पलेट इज यूज इन अ वर्चुअल मशीन इमेजेस रिपोजिटरी
एज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. तो हार्डन एंड वर्चुअल सर्वर इमेज यहाँ पे इस चीज इन द सेंस, जो भी हमारे डिनाइल ऑफ सर्विस होगा, अनसफिशिएंट ऑथराइजेशन, ओवरलैपिंग ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी अटैक्स होंगे उसको इनकाउंटर करने के लिए या काउंटर करने के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे यूज होने वाला है. ओके, इफ इस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं. ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सिमिलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.